हम लोग उसको दाल चावल आलू के लिए वोट नहीं दिए हैं। हमारे देश आगे बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए, इसके लिए वोट दिए। दाल चावल और आलू के लिए हम लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं। रोजगार का मुद्दा का तो लगता है रोजगार के बारे में जानते हैं ना जानते हैं, हमको यो पता नहीं है। राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, हमको उससे क्या लेना देना। रोजगार पे मोदी जी कितना भाषण दिए, बहुत कुछ। मोदी जी सुनिए, मोदी जी का भाषण, मोदी जी अगर किसी का गला में फीता टांग देंगे वो जीतेगा, चाहे कोई भी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जमुई में है। जमुई में नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा किया है, चुनावी प्रचार का आगाज आज जमुई से उन्होंने कर दिया है। साथ में नीतीश कुमार भी मंच पर थे। क्या कुछ उन्होंने कहा है और जनता ने कितना समझा है, लाखों की संख्या में भीड़ थी, ये लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार में क्या होगा, साथ ही देश में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। क्या लगता है मोदी जी का भाषण आपने सुना कि नहीं सुना? हाँ सुने हैं। तो क्या क्या बोले मोदी जी? मोदी जी जो बोले हैं तो बिल्कुल फैक्ट बात बोले हैं। क्या बोले, जोर से बोलिए ना, खखास के मोदी जी कार्यकर्ता हैं। हाँ तो मोदी जी बोले हैं जो 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं 5 साल तक ये फ्री देते जाएं, फ्री रहेगा। हाँ फिर फ्री रहेगा। और दूसरा बात, हम लोग तो ऊपर से भी यार ताक रहे हैं, और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद और 370 जो किया है हटाया है, वो ऐसा कोई प्रधानमंत्री ने किया है। अच्छा, ऐसा ही प्रधानमंत्री, यही मुद्दा चुनाव में होना चाहिए। हाँ यही होना चाहिए, मंदिर का मुद्दा चुनाव में होना चाहिए। मंदिर का मुद्दा चुनाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने काम किया रोजगार को लेके 14 बोले थे कि हर साल, सुनिए ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उस पे कोई बात किए कि कब तक दे देंगे? नहीं रोजगार के लिए उन्हें किए, लेकिन पीएम विश्वकर्मा चालू किए हैं। जिसके पास औकात नहीं है उसको मिल रहा है, अंदर से मिल रहा है 1 लाख रुपया देगा वो रोजगार करने के लिए। कोई किसान के पास जाएगा तो महीना में सूद है, सरकार के पास साल में 1 बार सूद है। महंगाई पर भी कुछ बोले, पिछली बार बोल रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस बार महंगाई पर बोले हैं कि नहीं बोले हैं? हाँ बोले हैं, लेकिन अब की बार फिर सरकार वो आएगा तो फिर महंगाई ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, महंगाई दूर होगा, महंगाई दूर होगा इनकी सरकार में। 10 साल में दूर नहीं हो पाया महंगाई? नहीं, 10 साल में दूर क्या होगा, बिहार में नहीं हुआ और सब जगह बहुत किया है। अच्छा, और सब जगह महंगाई नहीं है? नहीं, बिहार में किया है काम। तो आप लोग जो है 5 केजी राशन के नाम पे वोट करेंगे? 5 केजी राशन के नाम पर वोट करेंगे। आयुष्मान भारत 5 लाख जी के राशन पे आप लोग आयुष्मान भारत में दे जा रहा है इलाज के लिए, वो तो आदमी घर का आदमी जमीन बेच के अनाज बेच के भी नहीं कर पाता। 5 लाख रुपया उसको जमीनों ने होता, उतना तो उसका खाता में दे दिया कि भाई करने में। बिहार आए थे तो बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, तो मोदी जी विशेष राज्य दर्जा पर भी कुछ बोले क्या? उस पर अभी तो कुछ नहीं बोले, कोई उठाया भी नहीं, लेकिन पॉकेट में चला गया। दर्जा जब होगा उनका तो वो अभी करेगा, जब शुरू किया वहाँ से तो यहाँ तक नहीं। बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं मोदी जी? अच्छा तो वो करेंगे, बिहारी है कि नहीं? और तो आस्ते आस्ते होगा। कितना इंडस्ट्री लगाए, रोजगार दिए, मोदी जी कुछ नहीं बोले? रोजगार तो सबके लिए, पीएम विश्वकर्मा जी फैक्ट्री लगाए को बिहार में? नहीं लगाया, लग जाएगा, लग जाएगा, भरोसा है मोदी है तो भरोसा है, मुमकिन है, मुमकिन है, गारंटी है, गारंटी। क्या क्या गारंटी बारे में बता रहे थे? गारंटी 5 साल अनाज फ्री कर दिया, अभी जीते भी नहीं है लेकिन फ्री है, फ्री हो गया एकदम, वो तो मिलेगा, वो तो फिक्स है। और उसके बाद और जो आगे रोजगार से लेके जो रिलेटेड है, रोजगार भी मिलेगा, ये हमको भी पूर्ण विश्वास है, घटेगा 100%। सिलेंडर कितना हो जाएगा जीतेंगे तो? 600 रुपया हो जाएगा, 300 अभी 1200 रुपया वही मोदी तो 600 वाला 12 आ जाता है, उसमें 300 सब्सिडी भी आ जाता है, महंगाई इस पर दिक्कत नहीं आप लोग को? जिस हिसाब से इनकम है उस हिसाब से महंगाई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नहीं चाहते हैं बिहार में फैक्ट्री लगे? लगे क्यों नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन RJD आएगा तो नहीं लगेगा, ये हम जानते हैं। अच्छा, RJD की पार्टी बीजेपी 10 साल से है ना, क्यों नहीं लगा रही है बीजेपी? वो बार बार इधर से इधर हो रही है ना, क्या चाहते हैं? पूर्ण रूप से बीजेपी का बहुमत आएगा तभी भी काम। अभी लोकसभा की चुनाव है, देश में कौन है पूर्ण रूप से देश में तो कोई मना करता है फैक्ट्री लगाने में बिहार में? तो यहाँ का सीएम का कमी है, मुख्यमंत्री का कमी है, इधर उधर हो रहा है, तो आपके साथ हैं अभी तो जदयू का वोट नहीं चाहिए, बोल दीजिए नहीं चाहिए वो सब, दिस इज बिहार में सर सीट का लड़ाई हो रहा है ना, विकास हो या ना मरिए पब्लिक, सिर्फ कुर्सी सुरक्षित होना चाहिए, नीतीश कुमार को कुर्सी मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका, इधर आइए।
मेरा नाम उमानंद कुमार। मोदी जी का भाषण सुने? मोदी जी का भाषण सुने? हाँ सुने। क्या अच्छा लगा? अच्छा देखिए बहुत सारे बातें अच्छे भी लगी, बहुत सारे बात अच्छा नहीं भी लगा। रोजगार के मुद्दे पे मोदी जी बात किए कि नहीं किए? नहीं किए। रोजगार का मुद्दा का तो लगता है रोजगार के बारे में जानते हैं ना जानते हैं, हमको यो पता नहीं है। रोजगार के बारे में बोले कहाँ कुछ? एकदम करेक्ट बात। मोदी जी आप लोग को पसंद है? हाँ बहुत पसंद है। सब सस्ता कर दिए सिलेंडर? सब सस्ता है। आटा पानी सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? महंगा है। दिहाड़ी 300 रुपए मिलता है, 300 रुपए हम खाएंगे कि बच्चा लोग के पढ़ाएंगे कि घर दुआर बनाएंगे? मोदी जी महंगा कर दिए? हाँ तो मोदी जी नहीं किया लेकिन पब्लिक लोग किया है। पब्लिक महंगा कर दिया? तो नहीं किया है, जब दिहाड़ी बढ़ावे नहीं करता तो कहाँ से बात करे। आप लोग को 5 kg राशन देते हैं? 5 kg में 5 kg में खा लेंगे महीना भर। और कितना चाहिए? नहीं है 5 kg में नहीं होगा। एक जनता के लिए मोदी जी को वोट दीजिए कि नहीं? एक जन भी 5 kg नहीं खा सकेंगे एक महीना, एक जन भी नहीं। चिराग पासवान यहाँ सांसद थे, काम नहीं किया 10 साल? नहीं तो दे रहा जो ठीक कर रहा है, लेकिन 5 किलो दे रहा है वो ठीक है। हाँ। लेकिन ज्यादा देना चाहिए। महंगा हुआ? हाँ। सस्ता हुआ जमाना? नहीं महंगा हो गया। महंगा महंगाई से आप लोग परेशान है? हाँ, परेशान। सरसों तेल महंगा हो गया? हो गया। रेसून कभी न खाए 400 रुपए किलो, अभी 400 रुपए किलो खाए। 400 मोदी जी के राज में? वही तो। तुमको भी 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो मोदी जी महंगा कर दिए। महंगा तो है ये। महंगा है, समय महंगा कर दिया। मोदी क्या महंगा करेगा? मोदी कुछ नहीं किए हैं, मोदी कुछ नहीं किए ना। 4 महीना पूर्ता है 2000 रुपए अकाउंट में आ जाता है, उसको रखने के लिए दिया मोदी जी को। अच्छा कितना आता है? 2000 रुपए आता है 4 महीना में। अरे वार आप 15 लाख बोले थे ना, धीरे धीरे 15 लाख आएगा। 15 लाख कौन बोला? 15 लाख 15 लाख के बात नहीं हुई है यहाँ पे। हम लोग उसको दाल चावल आलू के लिए वोट नहीं दिए हैं। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, विकसित होना चाहिए, इसके लिए वोट दिए। दाल चावल और आलू के लिए हम लोग उसको वोट नहीं दे रहे हैं। 6000 रुपए वो हम लोग एक थी बताया कि हमारे पास आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो वो भी हम मांगेंगे नहीं। 15 लाख में थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं? हाँ तो वही दे रहे हैं। तो हम लोग अगर नहीं भी देंगे फिर भी वोट उसी को देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। मोदी जी का वोट होगा, वोट जाएगा मोदी जी के पास। चाहे महंगाई बढ़ जाए वहाँ पे हमारे चंद्रयान जी ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं। भाई लोग तो कह रहे हैं कि चाहे कितना महंगा हो जाए देंगे मोदी जी को ही वोट। बढ़िया बात है, देना भी चाहिए। जो राम को लाए हैं ये लोग उनको लाएंगे, क्या दिक्कत है? वक्त पे बोला था कि यहाँ पे खून की नदियाँ बहेगी, धारा बहेगी, एक मच्छर भी वहाँ पे नहीं मरा। ये कौन किया है मोदी जी के डर रहते हुए? तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं रहते तो कोई नहीं कर पाता ऐसा काम? मंदिर के नाम आप लोग मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे? देखिए बात ये भी इनका सही है कि खून की नदियाँ नहीं बहा, इसका मतलब था कि बहवा देना वहाँ जरूरी था। देखिए सुनिए पहले देखिए, राम मंदिर बने या बाबरी मस्जिद बने, हमको उससे क्या लेना देना? हम हिंदू हैं, ठीक है? सुनिए पहले राम मंदिर बनेगा, ठीक है? राम मंदिर बन भी गया, उसके पहले वहाँ बाबरी मस्जिद भी था। बना कहाँ कहाँ था? अरे ढांचा जो बाबर का वंशज होगा वही बाबरी मस्जिद को बोलेगा। बात कर लीजिए, आप युवा हैं, ठीक है? तो आपके हिसाब से चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? क्या मंदिर मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार मुद्दा होना चाहिए? मंदिर भी जरूरी है, रोजगार भी। अच्छा मंदिर से रोजगार मिला कि नहीं मिला? मोदी जी फूल बेचेगा जितना सुनिए जमुई लोकसभा में, ठीक है ना? अभी जमुई संसदीय क्षेत्र में रोजगार मिला कि नहीं मिला? कितना फायदा होगा मंदिर बनने से? जमुई कितना फायदा होगा? जमुई क्या जमुई वाला को राम मंदिर बनने से कितना आदमी को रोजगार मिला? क्या मुद्दा हम क्या जमुई में क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा मंदिर हर गांव में है, कितना विकास उस गांव का हो गया? विकास तो हो ही रहा, मंदिर तो हर गांव में, हर चौराहे पे मंदिर है। सुनिए ना चुनाव का मुद्दा रोजगार होना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान होना चाहिए? मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है।
और जो बोलते हैं, एक बार सुनिए, जो बोलते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, जब लालू यादव जेल से छूटे से उनसे पूछिए कि वो मंदिर दर्शन करने गए थे कि अस्पताल गए थे, पूछिए उससे पहले। अभी अभी मेरा बात सुनिए, मंदिर भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है, तो इनको बोलिए कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनेगा वो अस्पताल बनाए। सुनिए पहले, अगर यदि अभी रोड में एक्सीडेंट कोई होती है तो राम मंदिर पहले जाएगा या अस्पताल जाएगा? अस्पताल यहाँ नहीं है क्या? अस्पताल यहाँ है कि नहीं? एक काम कीजिए, पहले एक मिनट, अस्पताल में इलाज हो कहाँ रहा? अस्पताल में इलाज हो कहाँ रहा? धरती श्री रामचंद्र जी का है तो बाबरी मस्जिद नहीं है, मंदिर बनने से इनको क्या कष्ट है पूछिए? मंदिर बन गया तो इनको क्या घाटा हुआ ये बताइए? कष्ट इनको नहीं है, कष्ट तेजस्वी यादव लालू यादव को है। सुनिए, रोजगार इन्हीं को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। रोजगार पे मोदी जी कितना भाषण दिए, मोदी जी सुनिए, मोदी जी का भाषण, मोदी जी अगर किसी का गला में फीता टांग देंगे वो जीतेगा, चाहे कोई भी है, पुतला में मान लिया वो जीत गया। सुनिए ना, नौकरी ने रोजगार सबको चाहिए महाराज, मंदिर जरूरी था, रोजगार तो सबको चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए, सबको चाहिए, मेहनत करो। ठीक है, वैकेंसी सुनिए ना, स्टूडेंट पढ़ रहा है, वैकेंसिया आएगा, भर्ती निकलेगा, तब ना लड़का को रोजगार मिलेगा। वैकेंसी नहीं निकली है, ना निकला है, लाखों लाख नौकरी मिल गया है। अभी बताइए शिक्षक की भर्ती हुई है, बताइए इससे पहले कभी इतना टीचर की भर्ती हुई है बिहार में? ये मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं। क्या बोले? मोदी जी आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के साथ नहीं थे, आरजेडी के साथ नहीं थे, वो तो कुछ चमचों के लिए वो आरजेडी में जाते हैं, लेकिन वो वोट के लिए इसमें आते हैं। क्या कैलेंडर जारी हुआ जुने पहले, जब ये शिक्षक भर्तियां की जब कैलेंडर जारी हुई तो नीतीश कुमार किस पार्टी में थे? नीतीश कुमार किस पार्टी में थे ये बताइए हमको। आरजेडी के साथ, सुने पहले, भर्तियां आई, चिराग पासवान 10 साल रहे, इतना कम जैसे देखिए काम, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना या फिर हमको घाटा है या फायदा है, सबको देखिए, हम भी हिंदू हैं, हमको मोदी जी आके मंदिर का मुद्दा दे गए, क्या आप लोग इस तरह से लड़ते रहिए मंदिर के नाम पे? बात देखिए पहले रोजगार पे बहस होनी चाहिए। देखिए सर, अगर जहाँ पे शिक्षा का अभाव है ना, वहाँ पे इंसान को मूर्ख बना के वोट लिया जा सकता है, सबसे पहला बात ये भी होता है। जैसे हम अगर धर्म पे नहीं लड़ाएंगे, धर्म पे बात नहीं करेंगे, तो फिर तो वही बात है। जैसे कि हम, हमारे पास देखिए पहले बात, हम दो भाई हैं, अगर यदि हम दोनों विकास कर रहे हैं, जब तक वो बीच में आके तीसरा आदमी नहीं आएगा, जब तक कि मेरा विकास कैसे रुकेगा? अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही ना उनको है। चलिए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बातचीत होनी चाहिए, मुद्दे पे बात होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने मंदिर की बात तो की लेकिन रोजगार की बात नहीं की। आज वोट का प्रचार हुआ, 5 साल में जो काम किया उसका उन्होंने आशीर्वाद मांगने के लिए आया, बिल्कुल मोदी को दे रहे हैं, मोदी को एकदम एक साथ बोलिए, मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर नहीं, मोदी जी के नाम पर। नीतीश कुमार वाला आदमी या फिर आपको वोट देगा? है ना, लेकिन मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं। नीतीश का आदमी आपको वोट देगा फिर? हाँ नहीं देगा, उसे मतलब नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट जाएगा, वोट नहीं चाहिए। चलिए, हमने पूरी बातचीत करने का प्रयास किया है, आपका क्या मानना है? मोदी जी ने चुनावी प्रचार का आगाज बिहार में कर दिया है, आज जमुई में रैली थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, यूट्यूब फेसबुक पे वायरल है, युवाओं के बीच कौन सा मैसेज पहुंचा है, जमुई की जनता का मुद्दा क्या होगा, इस पे हम बातचीत कर रहे थे, पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि, जमुई नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।